हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता ठाकुर आज आप लोग को पंजाबी निमकी बताने जा रही हूँ कैसे बनता है। आइए देखिए, तो ये मैं मैदा ली हूँ। देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से छन्नी से छान ली थी। और ये नमक है, और ये अजवाइन, मंगरेला, और ये एक चम्मच दारा रिफाइंड ले ली हूँ। तो इन सब चीज़ों से मैं ही पंजाबी निमकी बनाऊँगी। अब मैं ये मैदा को इन सब चीज़ों को डाल करके, देखिए इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ। अजवाइन डाल दी, मंगरेला डाल दी, और ये मैं धारा रिफाइंड भी डाल दे रही हूँ। इन सबको मैं डाल करके इसको मैं मिला ले रही हूँ, और मैं इसका एक डो तैयार कर लूंगी। मिल गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और एक इसको हाथ से एक डो तैयार करके और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसे बनाना शुरू करूंगी। तो ये मैं डो तैयार कर ली हूँ रेस्ट, ये 10 मिनट इसको छोड़ दी थी। देखिए इस किस तरह से तैयार हो गया है मैदा वाला। अब मैं इसे छोटी सी लोई ले लेती हूँ, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा। आप देख रहे होंगे इस तरह से मैं लोई ले ली, और फिर मैं इसे लगा देती हूँ थोड़ा सा मैदा, और लगा करके, और इसको देखिए बेलन से इस तरह से बेल देती हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। देखिए इस तरह से बेलन से बेल दी, और इसमें मैं थोड़ा सा मोयन धारा वाला जो था वो लगा देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा इसको ऐसे देख रहे होंगे आप लोग, इस तरह से फिर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ये हो गया, फिर मैं इसमें फिर मोयन लगाती हूँ, फिर इसको मैं ऐसे करती हूँ इस तरह से पराठा आकार से, जैसे पराठा बनाते हैं इसका तिकोना बना लेती हूँ। और फिर देखिए इसमें मैदा लगा करके, और इस तरह से मैं पराठा आकार का या तिकोना इस तरह से मैं तैयार कर ली। देखिए आप लोग देख रहे होंगे मैं किस तरह से इसको बनाई, इस तरह से आप पराठा भी बनाते होंगे। देखिए तो इस तरह से मैं सारे को तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं पहले सारा निमकी को बना करके तैयार कर लूंगी। देखिए फिर से मैं इसको इसी तरह से तैयार करती हूँ। इस तरह से मैं सारा पहले तैयार कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा निमकी बनके रेडी हो गया है। देखिए मैं सारा निमकी बना ली हूँ, और ये तब तक कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, ये कढ़ाई भी गर्म हो गया है। इसमें मैं ऑयल डाल दी हूँ। अब एक एक करके मैं सारा निमकी को इसमें डालूंगी। गैस के फ्लेम को मीडियम रखती हूँ मैं।
इसको लाल होने तक। और ये देखिए ये इस तरह से इसका मुंह है, इसको फैला देना है थोड़ा थोड़ा। देखिए इस तरह से ये अपने ही फैल जा रहा है। ये लाल हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। और फिर मैं दूसरी नीमकी को डाल देती हूँ। इसी तरह से सारे नीमकी को मैं छान लूंगी। इसको भी इसी तरह से लाल कर लेते हैं, इसको मैं पलट देती हूँ। देखिए फोक के सहायता से इस तरह से बीच में आप ये ऐसे कर दोगे, इसका मुंह खुल जाएगा दोनों बगल और ये खुल जाता है निमकी। इसी तरह मैं सारे निमकी को बना बना करके और निकाल लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं सारा निमकी को छान करके और निकाल ली हूँ। ये खस्ता बहुत लगता है और देखिए लाल करके मैं इस सबको निकाल ली हूँ। सारा निमकी मेरा छन चुका है। तो देखिए मेरा ये पंजाबी निमकी बनके रेडी हो गया है। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही खस्ता और मुलायम होता है, बच्चों को खासकर बहुत पसंद होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड।